दोस्तों नमस्कार, मैं उपेन यादव, बेरोजगारों की बुलंद आवाज में स्वागत है। अभी मैं दिल्ली से जयपुर के लिए रवाना हुआ, काफी देर हो गई, रास्ते में हूँ। खाना खाने से पहले एक वीडियो डाल रहा हूँ। मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा, चाहे रीट लेवल फर्स्ट हो, चाहे रीट लेवल सेकंड हो, और चाहे LDC 2018 हो। तीन इश्यू सबसे बड़े हैं जो गंभीर है और जो अत्यंत उनका निस्तारण होना जरूरी है। मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा रीट लेवल टू। फर्स्ट वाले रुक जाओ, आपके लिए विशेष सूचना है लेवल टू के, क्योंकि लेवल टू वाले कहते हैं कि आप फर्स्ट लेवल करते रहते हो, लेवल टू को भूल गए। दोस्तों आपका रिसेप्शन और वेटिंग के लिए जो मैंने अधिकारियों से बात की थी, जो आपको को सबसे पहले बता दिया था कि 25 से 28 के बीच में आएगा, और आने से एक दिन पहले भी बता दिया था कि आज या कल आ जाएगा, जिस दिन आया उस दिन भी आप लोगों को बता दिया था। अब मैं दिल्ली 28 से लेकर 28 से 1-2 हो गई मैं दिल्ली था, और शाम तक मैं जयपुर पूछूंगा। लेकिन जयपुर पूछने के बाद मैं मंत्री जी से बात करता हूँ, निदेशक मोदी जी से बात करता हूँ, हमारे पास कल और परसों और तरसों, यानी कि 3, 4 और 5, यानी कि आचार संहिता कभी भी लग सकती है। 3 दिन का समय है कि जिला आवंटन के साथ कैलेंडर जारी हो, क्योंकि दोस्तों यदि आचार संहिता से पहले कैलेंडर जारी हो जाता है तो आचार संहिता में भी आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, वो आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों मैं शाम तक जयपुर पहुंच जाऊंगा, मैं बात करके जो भी अपडेट होगी मैं बता दूंगा, क्योंकि मैं दिल्ली था आपको पता है, तो मैं 2 दिन से इन सबसे दूर था। लेकिन मैं जयपुर पहुँच कर मंत्री जी से बात करके, निदेशक मोदी जी से बात करके, शिवमो में बात करके, आपकी जो प्रक्रिया, चाहे जिला आवंटन की प्रक्रिया हो, चाहे आपका कैलेंडर जारी करवाने की, क्योंकि आचार संहिता आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, जिला आचार संहिता लगने से पहले कैलेंडर जारी हो गया तो, पर होगा, क्यों घबरा रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ, करवाऊंगा आपका काम, क्यों टेंशन ले रहे हो? और रही बात एक चीज बता दूं, हालांकि मैं दिल्ली था, काफी लोगों के पास मौका भी था कि काम करके दिखाते कि उपेन तो दिल्ली था, हमने करवा दिया। चलो छोड़ो, तब मौका सबके पास आते हैं, बहुत आएंगे, क्योंकि मैं कुछ दिन के लिए बाहर जाऊंगा तो बेरोजगारों को बहुत काम है, तो तब भी बेरोजगार उन लोगों को देखेंगे कि वास्तव में बेरोजगारी कैसी है या लंबी लंबी फेंकने में माहिर है। चलो इन बातों को छोड़कर मैं एक चीज बता दूं, लेवल टू का हो गया है, मैं पहुंचने के बाद बात करने के बाद जो भी अपडेट होगी आपको मैं बताऊंगा। इसके अलावा दोस्तों लेवल फर्स्ट के लिए मैं बताना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट में मैं खुद मौजूद था, जो महेंद्र जाटोलिया और मुकेश गोयल और बलवान सिंह जो याचिकाएं लगी, उसके 2 अभ्यर्थी मुझे मिले थे, दोनों को जब सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था मैंने उनको बता भी दिया था, यदि आपकी सीट सुरक्षित का मामला हो तो हम आपका साथ देंगे। और आज भी कह रहा हूँ, पहले भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूँ, यदि आपकी सीटें सुरक्षित रखी जाती है तो हम आपके बीच में नहीं आएंगे। आप 200, 225 होंगे, किसी का भला होता बीच में नहीं आएंगे। लेकिन दोस्तों धोखा करना गलत बात है। कल इन्होंने इंडिया के बेस्ट एडवोकेट उतारे, उसकी लिस्ट आ चुकी है, आप भी देख लीजिए, और जहां तक संभव है हमने भी अच्छा एडवोकेट उतारे। अब बात ऐसी है कि हम कभी उन पर सवाल नहीं उठाते कि आपने कैसे उतारे, कितनी फीस दी, क्या दी, और आप चयनित लोगों को, जो चयनित अभ्यर्थियों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा। कल जो हाईकोर्ट में 20 नंबर हमारा आइटम लगा हुआ था, 20 नंबर आया तो इन्होंने पास ओवर ले लिया, क्योंकि इनका एडवोकेट वहां नहीं पूछते, सीनियर पी नरसिम्हा राव जी और विश्व राधा जी। एक आइटम और था 56 नंबर पे लगा हुआ था, तो 56 पे सुनवाई नहीं हुई, 56 पे भी इन्होंने कहा कि 20 नंबर आएगा, उससे पहले 4 आया 7 आया, क्योंकि और भी 4-5 मिनट और पास ओवर हो गए थे शुरू में। जब हमारे आइटम नंबर 20 दोबारा से आया, तमाम सुनवाई होने के बाद, जो पहले के आइटम नंबर आने के बाद, तब विश्वनाथन जी ने भी पैरवी की, बात रखी। अब जैसा आपने कहा कि एक फाइल जो मैंने नहीं देखी इसलिए आगे की तारीख दी जाती, तो उन्होंने कहा स्टेटस को, यानी कि यथास्थिति का आदेश दिया जाए, यानी कि भर्ती प्रक्रिया जैसी है उस स्थिति में रोकी जाए, न तो किसी को ज्वाइनिंग दी जाए, न कुछ ही दी जाए, क्योंकि स्टेटस को आज भी याद है मुझे 26 जुलाई 2013 को सुप्रीम कोर्ट में हमने शिक्षक भर्ती 2012 के मामले में स्टे लिया था, और उसके बाद जो गोपाल शंकर नारायण जी है, जो अभी महेंद्र जाटोलिया याचिका में भी है और उस समय भी विज्ञान साजी थे, तो उन्होंने विकास कुमार अग्रवाल वाले केस में स्टेटस को यानी कि यथास्थिति का आदेश लिया था, और 3 से 4 साल तक वो स्टेटस रहा, प्रक्रिया ज्योति रुकी, 2013 वाले भटकते थे, तामील नहीं हुई, उन्हें ज्वाइनिंग हुई, फिर बाद में हमने सुप्रीम कोर्ट से फाइनल केस जीता, उसके बाद उन लोगों की ज्वाइनिंग हुई, 3 से 4 साल भटकते रहे। यदि कल हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट PS पटवाले जी को हम नहीं करते, वो ऑब्जेक्शन नहीं करते, तो दोस्तों कल भर्ती प्रक्रिया पे ये रोक ले लेते, एक तरह से वो रोक थी, तो हम लोग भटकते रहते, कुछ नहीं होता। यदि इनकी मंशा सही होती तो 5 तारीख को तो सुनवाई थी,
क्यों रोक मांगी? कहते थे चलो ठीक है 5 तारीख तो आगे, 3-4 दिन की बात है, क्यों क्यों उन्होंने स्टेटस के लिए मांगा? बता कर लीजिए स्टेटस क्या होता है, यथास्थिति का आदेश क्या होता है, एक तरह से रोक ही है। लेकिन फिर भी हमने कुछ नहीं कहा, आपका अधिकार आप लड़ो, हमारा अधिकार हम लड़ रहे हैं। दोस्तों एक सवाल उठ रहा है, ये लगातार ये कह रहे कि जी साहब नहीं गया, केविट नहीं लगाई। भैया वो हमें समस्या है ना, आपको समस्या थोड़ी है, ये आपके साथ माइंड गेम खेल रहे हैं चाइनीज, जो रीट लेवल फर्स्ट के वेटिंग और रिसम्बल के अभ्यर्थी है। मैं आपसे कह रहा हूँ ये आपके साथ माइंड गेम खेल रहे हैं, उनको पता है सरकार पहली सुनवाई नहीं जाएगी, नोटिस जारी कर दिया तो हमारे वकीलों को पैसे जाएंगे बर्बाद। तो दोस्तों हमने, मैं भी नहीं चाह रहा था, नहीं आई सरकार, मुझे पता है पहली सुनवाई में जाएगी, नोटिस जारी होगा और स्टे लेने की कोशिश करें तो हम सीनियर एडवोकेट उतारे, हम कहते हैं कि सरकार ताई नहीं, जवाब सरकार देगी, तो उनको जो नुकसान होने की संभावना थी वो हो चुकी। लेकिन इनकी मंशा का कल पता चल गया था कि ये भर्ती प्रक्रिया पर रोक लेना चाहते हैं। अब ये चैलेंज दे रहे हैं, मेरे पास भी कई लोगों के फोन आए कि आपने ये कर दिया वो कर दिया। भैया मेरी तबीयत खराब थी, मैं कहीं जाने वाला था, मेरे बहुत पहले से बात हुई थी, मुझे जाना था, कल मेरी तकलीफ हुई। लेकिन लोग चैलेंज दे रहे, तो मैंने कहा बाद में इलाज कराऊंगा, पहले जो लोग फोन कर रहे हैं चैलेंज दे रहे हैं उल्टा सुल्टा बोल रहे, तुम्हारा इलाज करूंगा। क्यों आज तक हमने तो नहीं बोला, हमारे सही अभ्यर्थी जो वेटिंग और रिसेबल के अभ्यर्थी क्या कह रहे हैं कि इनके वकील के पैसे से जो इन्होंने इकट्ठे कह रहे थे 6 लाख रुपए कैसे खर्च कर दिए। सबसे पहली बात तो एक बात, उपेन्द्र यादव ने चुनी नहीं ली, ये कमेटी के लोग बाहर पीछे खड़े, इन लोगों ने अपने लिए नहीं वकील उतारने के लिए। और जो लोग जो अभ्यर्थियों को भड़का रहे ना, आप पीएस पटवाले जी सर्च करिए गूगल पे, सर्च करिए राणा मुखर्जी, सर्च कर दिए गौरव अग्रवाल जी, सर्च करिए पूजा धर जी, पूछ लीजिए फोन करके, लैंडलाइन नंबर भी आते हैं, मोबाइल नंबर भी आते हैं, फोन करके पूछ लीजिए कि आपकी फीस कितनी लगी और कितने दिन की लगी, सबको पता लग जाएगी, सच्चाई और ईमानदारी का पता लग जाएगा। लेकिन गुमराह करने से कुछ नहीं होगा, मुझे पता है तुम लोगों को दुख है, पैसे तो तुम्हारे भी लगे हैं, लेकिन हमें कुछ इस बात की कि तुम लोगों को स्टे नहीं लेने दिया, तुम लोगों को भर्ती प्रक्रिया पर रोक नहीं लेने दी, आपकी मंशा को नाकामयाब कर दिया। और तुम मुझे चैलेंज दे रहे हो कि आपने क्या कर लिया, एकल पीठ में जीता, डिवीजन बेंच में जीता, जोधपुर में तुमने जो पीछे से पैसे देके भेजे ना कि भर्ती प्रक्रिया को लेट कराओ, वो भी तुम्हारी मंशा विफल कर दी, पड़ा रहा जोधपुर। जो तुम गेम खेलते हो ना उसे डबल गेम मैं खेलता हूँ, क्या होगा यन के प्रकरण का जादू चला, हालत खराब हुई। मेरे तो खुला चैलेंज देके कहा था कि चयनित अभ्यर्थियों को स्कूल में पूछाऊंगा, वो चैलेंज पूरा किया, सीना ठोक के कहा था, अभी कह रहा हूँ पूछा दिया ना। रही बात इनकी वेटिंग और रिसेप्शन वालों की, इनका मैं सहयोग कर रहा हूँ, ये लोग मेरे निर्देश अनुसार चलेंगे, ये लोग अपनी मेरी प्लानिंग के अनुसार चलेंगे तो ये भी स्कूल होंगे। यदि ये प्लानिंग और रणनीति नहीं चलते तो भैया उपेन्द्र यादव कहाँ से लाएगा सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट, इन्होंने तो 30-40 लाख इकट्ठे कर लिया, बड़े एडवोकेट बुला रहे, मैं कहाँ से लाऊंगा? मैं तो 2-4-5-10 हजार रुपये तो खर्च कर सकता हूँ, भागदौड़ कर सकता हूँ, सरकार पे दबाव बना सकता हूँ, लेकिन एडवोकेट तो मैं नहीं ला सकता हूँ, एडवोकेट इन लोगों को लाना होगा। यदि ये लोग वेटिंग और रिसेप्शन वाले चाहते हैं कि आप लोगों को इसी महीने में, यदि क्योंकि आचार संहिता में भी रिसेप्शन और वेटिंग आ जाएगी, परमिशन ले लेंगे, उसके बाद आपकी प्रक्रिया जो भी वो लेना चाहते हो, तो भैया आप लोगों को कल सुबह जो गार्डन मीटिंग रखी गई है, आपकी सहमति से आपके जो अभ्यर्थी हर जानकारी दी जाएगी, वकील आप उतारो। और रही बात एक चीज बता दूं, अभी मैं दिल्ली में था, सरकार के डबल एजी से भी मैं 3 घंटे मीटिंग करके आया हूँ, डबल एजी साहब भी कल आएंगे, 5 तारीख उतरेंगे, और कल मैं कोशिश करेंगे एजी साहब भी आए, तो हम कोशिश पूरी प्लानिंग कर रहे, काम कर रहे, लेकिन जितना सहयोग होगा मैं सहयोग आप लोगों का करूंगा, क्योंकि दोस्तों सहयोग आपकी आवश्यकता है। फिर ये मत कहते ना उपेन्द्र यादव तो हमेशा कैसे जीतता हार कैसे गया, उपेन्द्र यादव जब पूरी प्लानिंग के साथ काम कर रहा, एकल पीठ डिवीजन बेंच जोधपुर, मेरे पूरा हाथ में केस था, पूरी प्लानिंग से काम किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट मेरे हाथ में नहीं है भैया। या सुप्रीम कोर्ट में एक एडवोकेट 8-8 लाख भी लेता है, 10 भी लेता है, 15 भी लेता है, 2 भी लेता, 3 भी लेता है, लेकिन इनके सीनियर है तो सीनियर हमें भी चाहिएगा। लेकिन दोस्तों ये तो कल आप सब लोग तय करोगे कि आप क्या चाहते हो, मैं तो आपके साथ रहूंगा, जितना सहयोग होगा मैं करूंगा। यदि आप लोगों ने सहयोग यानी कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट में मजबूत एडवोकेट उतार पाए, आप लोग एकजुट हो पाए, आप लोग इनकी बातों में नहीं आए, तो कहने की आप मजबूत एडवोकेट उतार पाओगे, अपना भविष्य बना पाओगे। हाँ मैं पूरा साथ दूंगा, सरकार को लाना था मैं ले आया, पिछली बार क्यों नहीं है वो मेरी रणनीति थी, नहीं आई मैं चाहता था नहीं आए, इस बार सरकार आएगी, सरकार भी रहेगी हम भी रहेंगे और लड़ेंगे। कुछ लोग कह रहे थे कि सरकार से डबल एजी एडवोकेट सॉलिसिटर जनरल साहब से मेरी दिल्ली में आज 3 घंटे मीटिंग हुई है, मैं उनके साथ सब पूरा मामला समझा के आया हूँ और वो आएंगे, कोशिश रहेगी कि एडवोकेट जनरल साहब भी आएंगे, प्रयास हम कर रहे हैं, लेकिन आप भी प्रयास करो, कल आप लोगों को आना है, क्योंकि वहाँ ये कहते हैं थर्ड पार्टी की नहीं चलती, सब चलती है, थर्ड पार्टी की चली, कल ही तो हमारे एडवोकेट ने ऑब्जेक्शन किया पीएस पटवाले जी ने, तभी तो ये लोग स्टे नहीं ले पाए।
ऑब्जेक्शन किया था, अभी तो नहीं ले पाए, अन्यथा तो ये तो कल स्टे ले लेते। यदि हम लोग कल एडवोकेट नहीं उतारते, ये कह रहे कि आपने 6 लाख रुपए बर्बाद किए, बर्बाद नहीं किया, हमारे 6 लाख रुपए काम आ गए। यदि हम एडवोकेट नहीं उतारते तो स्टेटस यानी कि ये रोक ले लेते और भटकते रहते कई सालों तक, 3-4 सालों तक। हमारे पैसे काम आए, हम खुश है। हाँ, कुछ लोग ये कह रहे थे महाज्ञानी भूपेन यादव हमेशा सरकार के साथ रहता है, सरकार के सपोर्ट में रहता है, तो वो लोग बोले कि कभी खिलाफ आके बताए। आपको उदाहरण दूं, 2015 में पटवारी भर्ती में मैं एकल पीट और डिवीजन बेंच में आ रहा, 10 जुलाई को एग्जाम थी और 8 जुलाई को मैंने चैलेंज देख के स्टे लेके और उस नियम को बदलाया मैंने। पटवारी का केस सुप्रीम कोर्ट में, राजीव धवन जी भी मेरे एडवोकेट थे, सिद्धार्थ लूत्रा जी भी थे, और जो गोपाल शंकर नारायण जी जो आपका एडवोकेट बना हुआ ना अभी, जो आपके एडवोकेट है श्री गोपाल नारायण जी, वो मेरे एडवोकेट थे पटवारी में। और मैं सरकार के खिलाफ जाके स्टे लेके और उस भर्ती को पूरी करवाया और मेरे जो अभ्यर्थी जोड़े उनको न्याय दिलाया, पहला उतारा। दूसरा उतारा शिक्षक भर्ती 2013, कांग्रेस सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई, बीजेपी सरकार ने आते ही SLP वापस लेने की एप्लीकेशन लगा दी, मैंने विरोध किया। जब फाइनल सुनवाई थी तो सरकार की तरफ से कोई भी एडवोकेट नहीं पूछा, धोखा किया। और मैं खुद उस समय शिक्षा मंत्री कालीचंद श्राफ और सुमन शर्मा, मैं खुद ये कह के आया था, मैं चैलेंज देता हूँ कि मैं हार गया तो हिंदुस्तान छोड़ के चला जाऊंगा, पूछ लेना उन लोगों को, ये कहा था हिंदुस्तान छोड़ के चला जाऊंगा यदि मैं केस हार गया तो, और चैलेंज देके जीत के आया था। और आज वो 2013 के अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं। कह रहे हो ना आप कि सपोर्ट भी तो जीतते हो, बिना सपोर्ट नहीं जीत पाते। ये दो केस आपको सबसे बड़े उदाहरण दे दिया, जो बिना सपोर्ट में जीत के आऊं, जिसमें 20,000 तो 2012 और 13 के अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं, 20,000 लोगों का तो वो भला हुआ, और जिसमें सचिन पायलट जी ने भी हेल्प की और विवेक तनखा जी को उतारा मेरे कहने पे। ऐसे नहीं लिए, निवेदन किया, सचिन पायलट जी ने उतारा, सरकार ने तो बीजेपी सरकार ने धोखा दिया उस समय। और रही बात आप कह रहे पटवारी की, ये दो बड़े उदाहरण याद कर लेना, पूछ लेना, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा। और ज्यादा यदि आपको ज्यादा जानकारी चाहिए ना, मेरे फेसबुक पर चेक कर लेना, शायद सुप्रीम कोर्ट की मैंने तस्वीरें डाली होंगी वहां जीत की। तो इसलिए लोगों को भ्रमित ना करें, कहता हूँ वो करता हूँ, मैं सच्चाई के साथ हूँ, साथ दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग काम करिए। कौन कह रहा है, आप यदि सीटों को सुरक्षित करवाना चाहते हैं तो मैं साथ दूंगा आपका। आप इसलिए ये ना सोचे आपकी विरोध है, सुरक्षित की बात आएगी तो हमारा एडवोकेट विरोध नहीं करेगा। हाँ, तुम भर्ती को लटकाना चाहोगे, चयनित अभ्यर्थियों को नुकसान पहुंचाना चाहोगे, वेटिंग रिसिप्ट को लटकाना चाहोगे, तो दोस्तों वो सर तो मैं करने दूंगा। और यदि उपेन्द्र यादव की हार होगी तो हार का कारण यही होगा कि वेटिंग और रिसफलवानों ने सहयोग नहीं किया। किस चीज का सहयोग, पैसे का सहयोग नहीं मांगता, मैं ये कहता तुम एडवोकेट उतार दो, वही चीज मांगता हूँ। मैंने कभी भी, मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, मैं 3 दिन से सुप्रीम कोर्ट में हूँ, घूम रहा हूँ, भटक रहा हूँ, जहां से मिलना मैं मिल रहा हूँ, किसी से ये लोग रहे, सारा इनकी जो कमेटी इन्हीं के लोग है, यही वकील को दे रहे, सारा काम इनके पास है। और ज्यादा जानकारी की मैंने कह दिया कि एडवोकेट्स के नंबर लेके आप पता कर लेना कि सच्चे कौन है झूठे कौन है, इस चीज को गुमराह न करे, किसी को आरोप न लगाए, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। मैं पैसों के लिए काम नहीं करता, मैं इन लोगों के प्यार और स्नेह और मान, जो मुझे मान सम्मान दे रहे हैं, इनके माता पिताओं का आशीर्वाद मिले, उनके लिए काम करता हूँ। नेक्स्ट चीज बता दूं, लेवल 2 के बारे में बताई दिया था, स्टेटस के बारे में बताई दिया था, LDC 2018 वाला मैंने कह दिया था 10 तक इंतजार कर रहे हैं, 5 को मैं फ्री हो जाऊंगा, लेवल 2 के भी हो जाएंगे, 5 तारीख से पहले लेवल 2 का भी हो जाएगा, लेवल 1 का भी 5 हो जाएगा, उसके बाद 10 तारीख तक का टाइम हमने अधीनस्थ बोर्ड को दिया है और 11 तारीख को हमने घोषणा कर रखी है। और इसलिए LDC 2018 इनके काम होते लेवल 2 और 1 के बाद मेरी प्राथमिकता है और 11 तारीख आप लोगों के लिए दी है। इसके अलावा मैं एक बार पुनः वेटिंग और रिसेप्शन के अभ्यर्थियों को कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी ग्रुपों में डालें और कल सुबह जो पिछली बार जो 8 फरवरी को हमने मीटिंग रखी थी रीट लेवल प्रथम के जो उस दिन केस जीता था उसी गार्डन में जो किरण सेवंस गार्डन है मानसरोवर मेट्रो स्टेशन के पास वहां आप सबको आना है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आना है, क्योंकि हम लोग एक तीर से कई निशान लगाएंगे। हमें क्या करना है कई चीजें मैं नहीं बताऊंगा, वहां आने के बाद आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन ये जरूर है दोस्तों हमारी ताकत। कुछ लोग कहते हैं उपेन्द्र यादव बार बार बुलाता है, मैंने 7 जनवरी को बुलाया, AG साहब को नियुक्त करवाया और कैसे जीते, फिर बाद मैंने दोबारा बुलाया 8 फरवरी को, क्योंकि मुझे पता था कि सरकार के पास बजट कम है, कई भर्ती प्रक्रिया की ज्वाइनिंग में लेट ना हो जाए, ताकत दिखाई और 12 तारीख को ज्वाइनिंग के आदेश करवाए। फिर उसके बाद जोधपुर हाईकोर्ट में स्टे आ गया, फिर जयपुर मैंने फिर बुलाया 15 तारीख को, फिर बुलाया जयपुर 14 या 15 को, और फिर मैंने ताकत दिखाई, फिर मैंने निवेदन किया कि जोधपुर हाईकोर्ट में AG साहब को भेजा जाए और हमारे 18 तारीख को स्टेट तोड़वाई जाए। सरकार ने फिर हमारी मांग मानी, AG साहब 3 दिन पहले वहां चले गए, लगातार मजबूत पैरवी की हमें जीत दिलाई। तो दोस्तों जब जब जयपुर बुलाया तो कुछ ना कुछ जो अभ्यर्थी आए उनको लाभ मिला है, उनको फायदा हुआ, यह सबसे बड़ा उदाहरण है। और जो लोग कहते हैं ना कोई फर्क नहीं पड़ता,
भाई नहीं, तुम समझते हो तुम मेरे खिलाफ ऑडियो वीडियो ये डालने को फर्क पड़े ना, नहीं मुझे मजा आता है। तुम जितना मुझे परेशान करोगे उतना मुझे मजा काम करने में आएगा। ये रीट लेवल प्रथम के अभी मैं रिसेप्शन बैटिंग वालों को ये कहना चाहूंगा, यदि आप लोग कल अधिक संख्या में आओगे, मुझे मजबूत बनाओगे, मेरी रणनीति से काम करोगे, तो आप लोग भी स्कूलों में जाओगे, आपका रिसेप्शन बैटिंग आएगी। अन्यथा फिर कहोगे ना कि यार उपेन जी आपने ये क्या कर दिया, आप तो साथ थे, साथ में अकेला क्या करूंगा यार, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट मैं थोड़ी उतार पाऊंगा, एडवोकेट तो तुम्हें उतारना पड़ेगा। हाँ 18,000 के करीब लोगों की ज्वाइनिंग हो चुकी है, 18,000 के करीब लोगों की ज्वाइनिंग हो चुकी है, ऑफिशियल आंकड़ा आना बाकी है, लेकिन करीब जो लगभग मैंने आंकड़ा पता किया 18,000 करीब ज्वाइनिंग हो चुकी है, लेकिन बचे पदों पे वेटिंग और रिसेप्शनिस्ट आएगी ना। हालांकि कुछ लोगों की पुलिस जो उन्होंने करवाना था वेरिफिकेशन वो नहीं हो पाया, लेकिन कुछ ज्यादा 500 कर लेंगे, 1,000 कर लेंगे, तो 6,000 प्लस तो आएगी ना वेटिंग, 7,000-8,000 जो भी है वो आप लोगों की वेटिंग और रिसेप्शन आएगी। और वेटिंग का अभ्यर्थी ना समझे कि रिसेप्शन और वेटिंग अलग है, ये लोग तुम लोगों को अलग करने के लिए रणनीति चला रहे थे। हालांकि बरसात आ रही है, मैं बरसात में ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ये लोग आप लोगों को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, माइंड गेम खेल रहे हैं। दो प्रवक्ता नियुक्त कर दिया जिनको सुप्रीम कोर्ट का पता भी नहीं है और उनको जाने भी नहीं दिया था, और उनका काम ये मुझे फोन कर रहे थे वो कर रहे थे। हालांकि उन लोगों का क्या नाम, नाम लेना अच्छा नहीं होता, हालांकि इतना कह सकता हूँ आप लोग नो टेंशन रहो। नो टेंशन क्यों, यदि कल तुम आ जाओगे तुम लोग अपनी ताकत जो रणनीति से काम करोगे तो नो टेंशन होगा, आपका भविष्य बनेगा। और यदि आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे तो भाई मैं भी नहीं कर पाऊंगा। हालांकि मुझे पहले से मेरी तारीख तय थी कि मैं 4 तारीख को बाहर दूंगा, 5 तारीख को मुझे कहीं डॉक्टर को दिखाना था, मैं एक बार तो कल सोच लिया था क्योंकि पहले से प्लानिंग थी एक को निपट जाएगा आपका मामला, लेकिन मेरी तबियत खराब थी, कल भी मेरी अचानक तबियत खराब हुई थी। लेकिन फिर भी जब आप लोगों को कॉल और मैसेज देगा और कुछ लोगों ने जो प्रतिश्रुति बातें की, तो मैंने निर्णय लिया कि लास्ट में बाद में कराऊंगा, पहले आप लोगों का जितना सहयोग है मैं करूंगा। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और आप लोगों को कल सुबह 12 बजे 11 बजे भी आ सकते हो, 10-11 बजे कितने बजे पूछ सकते हो गार्डन में, 12 बजे से पहले आप सबको पूछना है, और कल इसे हमारे इस अभियान इस रणनीति को सफल बनाना है और अपना भविष्य मजबूत उज्ज्वल और सुरक्षित करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।